आनंद कर नेमी चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नन दोष दहन गुण गहन घन स्वानुभूति रमनी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन मैन मान बिन दान धन एन हीन तन छीन यह विधि मंगल करन ते होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत। गुलिस्तान में चौथा गुलिस्तान अपना चल रहा है ग्रंथ के अनुसार। इस चौथे गुलिस्तान में अभी तक हमने चर्चा की थी, कल भी बहुत सारी शंका समाधान रूप में चतुर्थ गुलिस्तान में तीनों प्रकार के सम्यक्त्व की चर्चा की और सम्यक्त्व में किस तरह से आवश्यक तीन करण परिणाम होते हैं उन तीन करण परिणामों की भी कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। व्यक्तिगत रूप से देखें तो किस तरह से तीन करण परिणाम होते हैं और तुलनात्मक दो व्यक्तियों की तरफ से देखें तब किस तरह से तीन करण परिणाम होते हैं इनकी चर्चा करने के बाद आज विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें चतुर्थ गुलिस्तान में कोई भी जीव आता है तो कम से कम कितनी देर तक रहता है और अधिकतम कितनी देर तक रहता है। इसको अपन गुलिस्तान की करणानुयोग की भाषा में कहें तो काल अपेक्षा से विचार कर रहे हैं अपन कि चौथे गुलिस्तान का काल कितना है। अभी अपन ने सम्यक्त्व का काल देखा था। देखिए दोनों में अंतर है, कई बार अपन सम्यक्त्व का काल और गुलिस्तान का काल एक कर देते हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सम्यक्त्व का काल अलग है और गुलिस्तान का काल अलग होता है। क्यों ऐसा क्यों? जो सम्यक्त्व का काल होता है वही गुलिस्तान का होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत बढ़िया, सम्यक्त्व तो आगे की गुलिस्तान में होता है, ठीक है, इसलिए उसका काल अलग गिना जाएगा। हो सकता है वही चौथे में हो सम्यक्त हो, वही सम्यक्त पांचे में हो, छठे में हो, सातवें में हो और आगे भी हो, सिद्धों तक हो, ऐसा भी हो सकता है लेकिन गुलिस्तानों की सीमा वहीं तक है, ठीक है। जैसे अध्यापक की सीमा वहीं तक है, विद्यार्थी बढ़ते चले जाते हैं। कैसे? अध्यापक क्लास है ना, जैसे समझ लो कोई क्लास वन का टीचर हो सकता है जिंदगी भर वो क्लास वन में ही रहे, क्लास वन में है तो वन में ही रहे और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही है सम्यक तो है, आगे आगे के गुलिस्तानों में भी है लेकिन गुलिस्तान तो अपना सीमित है। चौथा गुलिस्तान तो चौथा, पांचवा है तो पांचवा, इस तरह से जानना। अब आगे अपन देखते हैं चौथे गुलिस्तान का काल कितना। इसमें चारों गतियों की अपेक्षा से अलग अलग काल बताया है, एक कॉमन नहीं बताया क्योंकि सबका अलग अलग है। यदि देवगति का देखें तो वहां का काल चतुर्थ गुलिस्तान का अलग है, इसी तरह से मनुष्य गति का देखें तो अलग है, तिरेंच का अलग है और देवों नारकियों का भी अलग है। एकदम शॉर्ट में बताता हूं पहले फिर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। देवगति की अपेक्षा से देखा जाए तो चतुर्थ गुणस्थान का काल है साधिक तैतीस सागर। कितना? साधिक तैतीस सागर, ये देवगति की अपेक्षा से है। किसका काल?
चौथे गुलिस्तान का काल साधक 33 सागर, एक पॉइंट। नंबर दो, यदि मनुष्य गति की अपेक्षा से देखा जाए तो चतुर्थ गुलिस्तान का काल है साधक 3 पल, साधक 3 पल। फिर इसके बाद यदि अपन आगे देखें तिर्यंच गति की अपेक्षा से देखेंगे तो तिर्यंच गति का चतुर्थ गुलिस्तान का काल है 3 पल मात्र। और नंबर चार, नरक गति की अपेक्षा से देखें तो चतुर्थ गुलिस्तान का काल है 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर। ठीक है, ये तो मिल गया होगा, गुलिस्तान विवेचन में लिखा हुआ है। देव गति की अपेक्षा से साधक, मनुष्य गति की अपेक्षा से साधक 3 पल, तिरंच गति की अपेक्षा से 3 पल मात्र, और नरक गति की अपेक्षा से 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर। बहुत बढ़िया, ये हो गया नोट, है ना, कॉपी में और दिमाग में क्लियर। अब इसका थोड़ा सा अपन खुलासा देखते हैं, ऐसा कैसे, क्योंकि इतना तो हमने जान लिया, देखा जाए तो इतने में भी काम हो जाता है कि चलो इतना ही शॉर्ट में मिल गया कि साधक 3 पल, साधक 33 सागर, साधक 3 पल, 3 पल और 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर, तो याद करना चाहे तो इतने में भी काम हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे घटित तो होता है, वही अपन थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि देवगति की अपेक्षा से साधक 33 सागर कहा, तो ये साधक 33 सागर कैसे बनेगा कि कोई संयमी मुनिराज हैं। कौन से मुनिराज? क्योंकि देवगति में पहुंचाना है, देव भाषा कैसे ही बोलेंगे अब समझने के लिए, कहाँ पहुंचाना है? देवगति में, और देवगति में भी कितनी बड़ी आयु लेना है? 33 सागर की। तो 33 सागर की आयु जिसको होना हो तो उसके लिए मनुष्य में ही पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कहीं पर पुरुषार्थ नहीं हो सकता। नरक में पुरुषार्थ हो नहीं सकता कि देव में चला जाए, कैंसल। तिरंचों में इतना नहीं हो सकता है कि इतने ऊपर चला जाए। देव वालों में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देव मर के देव होते नहीं, इसलिए उनको भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। अब एक लौते मनुष्य ही बचे, मनुष्य ही ऐसे हैं जो ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि देव में विशेष रूप से ऊपर वाले स्वर्गों में जा सकते हैं, और खास तौर से इतनी बड़ी आयु वाले, 33 सागर की अपन को इनकी आयु लगभग होना चाहिए, तो उतना हमें ज्ञान करना है कि 33 सागर की आयु वाला कौन हो सकता है। तो मनुष्य हो सकते हैं जो मरण करके ऊपर स्वर्गों में 33 सागर की आयु ले सकें, लेकिन मनुष्य में भी कोई भी मनुष्य नहीं हो सकते, उसमें भी विशेष मनुष्य। कौन से विशेष मनुष्य? कौन से? ठीक है, संयमी मुनिराज, भावलिंगी संत, मुनिराज ही हो सकते हैं, मुनिराज के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता। भावलिंगी मुनिराज चौथे वाले नहीं होते हैं, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज। ठीक है, अब ऐसे मुनिराज फिर और आगे भी बढ़ सकते हैं, वो तो भावलिंगी मुनिराज तो ऊपर 8वें में होते हैं, 9वें में होते हैं, 10वें, 11वें, 12वें, ये सब भावलिंगी मुनिराज हैं। तो कोई भावलिंगी मुनिराज हुए और उन्होंने वहाँ पर 33 सागर की आयु बांधी, 33 सागर में भी वहाँ पर खुलासा लिखा एक समय कम 33 सागर, कितना? एक समय कम 33 सागर। तो एक समय कम 33 सागर की आयु बांध के वहाँ पर अनुत्तर विमानों में गए, कहाँ के, कौन से विमानों में? अनुत्तर विमान के नाम तो सुने ही होंगे, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, और पांचवा है सर्वार सिद्धि। ठीक है, चार कॉर्नर में चार, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और बीच में सर्वार सिद्धि, ऐसी बसी हुई है वहाँ की नगरी। तो वहाँ यहाँ से कोई संयमी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज मरण करके वहाँ पर अनुत्तर विमान में उन्होंने जन्म लिया, एक समय कम 33 सागर की आयु को प्राप्त करके
वहाँ इतने पूरे 33 सागर लगभग रहे, वो एक समय कम अपन ने किया, इतने समय तक वहाँ पर रहे, इतनी आयु को लेकर कौन सा गुण स्थान था? चौथा। देव में जाने के पहले कौन सा था? छठवा सातवा था या आगे का जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ का काउंट होगा क्या? नहीं होगा। तो कहाँ से काउंट करेंगे अपन? स्वर्ग के वहाँ से, अनुत्तर विमान से। तो वहाँ से काउंट करेंगे, तो वहाँ पर एक समय कम 33 सागर की आयु को लेके वहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान में ही रहे, लेकिन अपन को तो कितना चाहिए? साधिक 33 सागर। तो 33 सागर तो लगभग अपन को मिल गया, अब थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है। तो एक्स्ट्रा कहाँ होगा? वो पूर्ति वहाँ नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए कुछ और दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगी, तो फिर मनुष्य में वापस आना पड़ेगा। तो वहाँ से वो मरण करके फिर यहाँ मनुष्य गति में आएंगे, और मनुष्यों में आकर उत्कृष्ट आयु मान लो ली किसी ने एक पूर्व कोटि की, कितनी? अब इतनी आयु ली और वहाँ पर भी लगातार सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में रहे, और अंतिम अंतर मुहूर्त में, अंतिम अंतर मुहूर्त पूरी आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में उन्होंने दीक्षा ले ली, भावलिंगी संत हो गए और केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए, ठीक। इतना काम हो गया। तो वहां तो 33 सागर देवों का अपन ने ले लिया, एक समय कम 33 सागर, और साधिक में, साधिक था ना कुछ अधिक, साधिक माने कुछ अधिक, तो कुछ अधिक में कितना हुआ? हाँ, एक पूर्व कोटि माइनस अंतर मुहूर्त, इतना। इतनी आयु चतुर्थ गुण स्थान वाले की बनी रह सकती है, माने वहां जो 33 सागर वो वहां का, और कुछ अधिक, कुछ अधिक में एक अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि, इतना कुछ अधिक जानना चाहिए। बोलिए। हाँ नहीं तो नहीं लेना हो तो मत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका प्रश्न है कि जब देवगति की अपेक्षा ले रहे हैं तो मनुष्यों को क्यों इसमें बीच में लेते हो? नहीं लो तो उतने ही ले लो। चौथे गुण स्थान का नहीं, चौथे गुण स्थान का काल नहीं लेना, यह हम गति की अपेक्षा से ले रहे हैं। तो देवगति की अपेक्षा से ले रहे हैं, लेकिन क्या करें, समस्या ये आ रही है, होने को तो उतने ले दो, 33 सागर वाला भी हो सकता है पूरा, लेकिन एक समय कम 33 सागर, और 33 सागर वाले भी हो सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि वाले, मान लो उधर जाते हैं तो। लेकिन अब यहां एक समय कम 33 सागर वाली आयु के थे, तो देवगति के हिसाब से तो उतना ही काल हो गया, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनी रही चतुर्थ गुण स्थान की, और कंटिन्यूटी बनी रही इस कारण से उसको भी उसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो चतुर्थ गुण स्थान में है तो देवगति की अपेक्षा, लेकिन वो लगातार चतुर्थ गुण स्थान बना रहा, इसलिए कुछ अधिक वाला पाठ यहां का भी उसमें जोड़ दिया गया है, ठीक। इस अपेक्षा से शास्त्रों में देवगति की अपेक्षा जरूर ली, लेकिन कुछ अधिक जो 33 सागर कहा तो उसमें यहां का भी जोड़ दिया गया है। अब यही बस नहीं जुड़ा है, अभी आगे भी जुड़ा है कहीं ना कहीं, अभी देखते हैं। होने को वहां तो मनुष्य का मनुष्य में जुड़ा है, इसलिए समस्या नहीं है। तो ये वाला हो गया क्लियर? नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ चौक डस्टर तो है नहीं अपने पास, अच्छा ये है क्या? देखिए, देवगति की अपेक्षा अपन ने देखा काल चौथे गुण स्थान का, तो यहां अपन देखते हैं देवगति की अपेक्षा ये मनुष्य, ये त्रियंच, और ये नंबर चार नारकी। तो यहां पर देखा देवगति की अपेक्षा तो बताया साधिक 33 सागर, साधिक 33 सागर में कैसा नियम बनाया, इसका खुलासा कैसा किया कि कोई भी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज यहां मनुष्य गति में थे, अब मनुष्य गति में भावलिंगी मुनिराज ही
वे इतनी उत्कृष्ट आयु को बांध सकते हैं, कोई भी श्रावक चाहे वो चौथे गुण स्थान का हो चाहे पांचवें गुण स्थान का हो, वह श्रावक इतने ऊपर के स्वर्गों की आयु नहीं बांध सकता। इसलिए भावलिंगी मुनिराज ही चाहिए। अब वो भावलिंगी संयमी मुनिराज मरण करके सीधे पहुंचे अनुत्तर विमान में। अनुत्तर विमान बता ही दिया, वहां पर एक समय कम 33 सागर की आयु ली, तो पूरा एक समय कम 33 सागर तो कौन से गुण स्थान में रहे, चौथे में। तो ये तो हो गया चौथे गुण स्थान का इतना। अब उसके बाद लगातार वहां से मरण करके मनुष्य में आए, और मनुष्य में आए तो वो चतुर्थ गुण स्थान का गैप पड़ा नहीं, लगातार जुड़ा ही रहा, चतुर्थ गुण स्थान ही रहा, इस कारण से उसको भी इसमें ऐड कर दिया। तो यहां मनुष्य में जब आया तो मनुष्य में उत्कृष्ट आयु कितनी, एक पूर्व कोटि, कर्मभूमि का मनुष्य, ठीक है, क्योंकि वहां से मरण करके कर्मभूमि का मनुष्य ही बनेगा, ठीक है, भोग भूमि का नहीं बनेगा। तो यहां पर आए तो एक पूर्व कोटि आयु, और एक पूर्व कोटि आयु में भी अंतिम अंतर मुहूर्त में क्या काम हुआ, हाँ, दीक्षा ले ली, भावलिंगी संत हो गए और मोक्ष चले गए। तो अंतिम एक अंतर मुहूर्त को छोड़ दिया, तो एक अंतर मुहूर्त कम यहां मनुष्य की कितनी हो गई, एक पूर्व कोटि। तो एक पूर्व कोटि ये हो गया कुछ अधिक, ये कितना हो गया, एक कुछ अधिक इतना, और 33 सागर वहां की है ही, एक समय कम 33 सागर तो वहां की है ही, तो ये हो गया साधिक 33 सागर। अपन संभावित कह सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते, हाँ हाँ लगा सकते हैं उदाहरण, ठीक है, हाँ 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 वैसे उनका नहीं होगा लागू। क्यों नहीं होगा, उसका कारण यह है कि उनको तो भेज रहे हो कहाँ पर, जब भाषा में बोलूँगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा माहौल बना रहता है, भेज रहे हो बुला रहे हो, नहीं तो क्या है फिर आलस आती नींद आती है ना। कहाँ भेज दिया आपने, सर्वार सिद्धि, सर्वार सिद्धि वालों को लेने नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सर्वार सिद्धि वालों की एग्जैक्ट 33 सागर होती है आयु, और इनकी एक समय कम 33 सागर है, तो एक समय कम वाले उतने में इतना अंतर आ गया कि वो सर्वार सिद्धि में नहीं जाएगा, वो विजय वैजयंत जयंत अपराजित में से ही जाएगा कहीं, हाँ बाकी चार, तो वहां जब जाएगा और वहां से यहां आएगा तो ये उनके अपेक्षा से घटित होगा, उनकी अपेक्षा से, हाँ सर्वार सिद्धि, वहां सर्वार सिद्धि की अपेक्षा से, यद्यपि इसमें घटित नहीं किया लेकिन वहां की अपेक्षा से कदाचित, या ऐसा हो कि वहां घटित ना हो इसलिए यहां पर घटित नहीं किया, कोई कारण हो सकता है, लेकिन यहां तो एक समय कम, उसमें देखो लिखा है, लिखा ना एक समय कम, तो एक समय कम वो विजय वैजयंत जयंत पराजित वाला ही लेना चाहिए। नहीं नहीं वहां एक समय कम आयु रहती है, एक समय कम 33 सागर की आयु होती है, देखो माने एक समय भी उतना, यदि अपन अच्छे से गहराई से चिंतन करें तो उसमें कितना मैटर बढ़ गया, कितना और विषय नया खुल गया, हाँ हो सकता है कुछ कारण हो कि सर्वार सिद्धि के तेत, हाँ बोलिए आप बताइए, दीक्षा तो अपन यहां पर भी दिला रहे हैं, चलो आपने एक अच्छा तर्क दिया, सर्वार सिद्धि वाले जो आएंगे इतने लंबे काल तक नहीं बैठे रहेंगे, दीक्षा इनको लेट दिलाई, और सर्वार सिद्धि वाले आएंगे वो जल्दी दीक्षा लेंगे, तो इतना लेट इंतजार नहीं करेंगे, विशेष पुरुषार्थी होते हैं, सर्वार सिद्धि वाले आए और पूरा एक पूर्व कोटि तक इंतजार करें फिर दीक्षा लें, ऐसा नहीं, वो दीक्षा जल्दी लेंगे और उनका चतुर्थ गुण स्थान चला जाएगा, इसलिए उनकी अपेक्षा काल नहीं बनेगा। बढ़िया, चलिए, चौथे गुण स्थान का काल, काल
इंटरफेयर तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो ऐसापन अधिकतम लगा रहे हैं कि इतना हो सकता है अधिकतम। जल्दी भी जा सकते हैं, कई लोग जल्दी भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि सबको ये कंपलसरी हो। पूरी हो गई हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, चार दिन था तीन दिन कर दिया ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ उतना ही रहेगा, ठीक है हाँ। नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो आयु पूरी नहीं हो पाई तो टाइमिंग बढ़ाने के लिए नहीं है। वहाँ तो एक समय कम 33 सागर की आयु वाले जो थे अनुत्तर विमान में, वहाँ एक समय कम 33 सागर की आयु होगी और यहाँ मनुष्य में आए, वहाँ से तो मनुष्य में ही आएंगे, और वो पूरे एक पूर्व कोटि की आयु लेकर पूरे काल तक वो चतुर्थ गुण स्थान में रहे और अंतिम अंतर मुहूर्त में उन्होंने कार्य किया, इतना बना रह सकता है। हाँ अंतर है सर्वार्थ सिद्धि का और उनका चारों का अंतर है। सर्वार्थ सिद्धि नाम ही है, कितना प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध होने से इसलिए नहीं, शास्त्रों में उल्लेख है इस अपेक्षा से जानना चाहिए। एक चलो ये शंका समाधान में ऐसा ना हो पूरा हो जाए अपना। यहाँ से मुनिराज हैं वो, चौथे गुण स्थान वाले नहीं हैं। यहाँ से जब वो जाएंगे देवगति में तो यहाँ से तो भाव लेंगे संत हैं। सर्वार्थ सिद्धि का यहाँ घटित ही नहीं किया, यहाँ तो विजय वैजयंत जयंत अपराजित जो चार हैं अनुत्तर विमान, इनमें ही घटित करना है। सर्वार सिद्धि वालों की एग्जैक्ट 33 सागर ही होती है, ना एक समय कम ना एक समय ज्यादा, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर दो, मनुष्य गति की अपेक्षा कितना बताया, साधिक तीन पल। तीन पल तो सबको ख्याल में आता है, लेकिन ये साधिक मतलब क्या, वहां साधिक मतलब एक पूर्व कोटि में अंतर मुहूर्त कम था, और यहां पर साधिक का मतलब कितना। देखो सब जगह साधिक का मतलब अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे 100 में साधिक हो, 100 में साधिक हो तो 10 20 50 ज्यादा से ज्यादा 99 तक जाएगा, लेकिन 1000 में साधिक हो तो उसकी वैल्यू और बढ़ेगी, 1,00,000 में साधिक हो तो अलग होगा, 1,00,00,000 में साधिक हो तो लाखों भी कोई मायने नहीं रखते, और 10,00,000,000 में साधिक हो तो 1,00,00,000 भी कोई मायने नहीं रखते, ऐसा ही है। तो जहाँ जितना नहीं प्रॉपर कोई नहीं है, प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है कि साधिक माने इतना अधिक, साधिक माने कुछ अधिक। अब वो किसके साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है कि मिनिस्टर के साथ है कि गृह मंत्री के साथ है कि किसके साथ है, सरपंच के साथ है, उसके अनुसार वैल्यू बढ़ेगी। तो वो सागर के साथ था तो इतनी वैल्यू बढ़ी, अब यहाँ पर किसके साथ है, पल्ले के साथ है, तो यहाँ थोड़ा साधिक कम जाएगा। कैसे कम जाएगा, साधिक तीन पल। पहले तो ये देखें कि साधिक तीन पल होगा कैसे, होगा कैसे। कोई कर्म भूमि का मनुष्य, यहाँ का मनुष्य, और उसने सम्यक दर्शन होने के पूर्व ही मनुष्य आयु बांध ली। क्या बांध ली, मनुष्य आयु बांध ली, मनुष्य आयु बांधी। अब यहाँ से मनुष्य आयु बांधकर फिर यहाँ से फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर यहाँ से कहाँ गया, उत्तम भोगभूमि में गया, ठीक है। अपन उत्तम में ही पहुँचाएंगे क्योंकि अपन को साधक तीन पल लेना है, इसलिए ना जघन्य ना मध्यम, एकदम उत्तम वाले में ही। तो उत्तम भोगभूमि की आयु कितनी, तीन पल, और यहाँ की जो थी जहाँ से उसने आयु बांधी, वहाँ से लेकर आयु बांधी प्लस सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चौथे गुण स्थान में गए, तो चौथा गुण स्थान जब से प्राप्त किया जितनी आयु शेष थी उतना अधिक, उतना अधिक, और वहाँ का ले लेंगे तीन पल, तो क्या हो गया, साधिक तीन पल। लेकिन अब यहाँ जो साधिक जो आया वो साधिक कितना हो सकता है,
जितनी आयु शेष है उतना, जितनी आयु शेष है उतना। लेकिन यदि अपन निकालना भी चाहें अधिकतम, तो कितना निकल सकता है? एक पूर्व कोटि का त्रिभाग कितना निकलेगा? एक पूर्व कोटि का त्रिभाग। कैसे? क्यों? क्योंकि एक पूर्व कोटि, ये तो समझ में तो आता ना थोड़ा थोड़ा, त्रिभाग क्या होता है। तो मैं तो उस आपसे ले रहा हूँ कि गुणिस्थान के विद्यार्थी हैं, और वहाँ जो चलता है उपाध्याय में, हम उपाध्याय के हिसाब से बोलते हैं। अब यहाँ लगता है उपाध्याय पार कर चुके हैं, शास्त्री में आ गए हैं, तो स्टैंडर्ड होगा, उस हिसाब से मैं बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी रुकता हूँ, कोई बात नहीं। आयु कर्म जब भी बनता है अगले भाव का, तो वर्तमान आयु के त्रिभाग में बनता है। इसका गणित बहुत लंबा है, वो पूरा नहीं चलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, किसी की 90 वर्ष की आयु है वर्तमान में, एट प्रेजेंट, तो तीन भाग उसके करेंगे तो 30 30 30 कितने हो गए? टोटल 90, तो 30 दूनी 60 वर्ष, ये हो गए दो भाग, 60 वर्ष हो गए दो भाग, और जो 30 बचे वो हो गया तीसरा भाग, तीन भाग हो गए ना। इनमें दो भाग जब निकल जाएंगे, 60 वर्ष निकलते ही जो पहला अंतर मुहूर्त होगा, उसमें आयु बंधने के योग्य परिणाम हो सकते हैं, वहां आयु बंधने की संभावना अधिकतम है। तो मान लो कि जिनकी एक पूर्व कोटि की आयु है और उनके दो भाग निकल गए, आयु के दो भाग, ठीक है, एक पूर्व कोटि के अपन ने तीन भाग किए, उसमें दो भाग निकल गए। अच्छा, एक पूर्व कोटि तो ख्याल में आता है, नहीं तो ऐसा ही लग, जो शब्द बोलते हैं वही ख्याल में नहीं आता, तो ये क्या नया नया ख्याल में आएगा? आता है एक पूर्व कोटि क्या होता है? 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है, एक पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्षों का, और कितना है, इतने क्या है, इतने को 70,56,000 करोड़ को, 70,56,000 करोड़ को 1 करोड़ बार लिखना, कितने बार लिखना, और सबको जोड़ दो, 70,56,000 करोड़, इसको कितने बार लिखना, 1 करोड़ बार लिखना, और फिर उनको जोड़ देना, ये जो आए उसको कहते हैं एक पूर्व कोटि। अब थोड़ा सा भाव भाषण हुआ होगा कि अच्छा ये कहलाता है एक पूर्व कोटि, नहीं तो क्या है, वो तो ठीक है चल ही रहा था सामान्य सा। अब इसके कितने तीन भाग करना है, कितने, तीन भाग, तीन भाग में से दो भाग जब निकल जाएं, दो भाग निकल जाएं, वहां तक तो नियम से अगले भाव की आयु बंधेगी नहीं। अब जो तीसरा भाग आया, इसमें अगले भाव की आयु मान लो उनकी बंध गई, आयु बंध गई, तो यहां से लेकर ये जितना भी अपना जो बचा टाइम, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि भी हो गए, चौथे गुणस्थान में आ गए, और यहां से लेके पूरा जितना एक भाग बचा है वो, और वहां का भोगभूमि का तीन पल्ल का वो, तो ये साधक यहां का और तीन पल्ल वहां का, इस तरह से साधक तीन पल्ल मनुष्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल चतुर्थ गुणस्थान का समझना चाहिए। दो हो गए, नंबर तीन, त्रियंचों का है तीन पल्ल मात्र, कितना, तीन पल्ल, तो ये कैसे लेना तीन पल्ल? कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य है, इतना तो बोले ही दो, कोई मनुष्य है, और उस मनुष्य ने सम्यक दर्शन होने के पहले त्रियंच आयु का बंद कर लिया, किसका बंद किया, त्रियंच आयु का, और त्रियंच आयु का बंद करने के बाद फिर सम्यक हो, तो नियम से भोगभूमि में जाएगा, लेकिन अपन को कहाँ पहुंचाना है, उत्तम वाले में, क्योंकि विशेष पुरुषार्थ किया, विशेष उस जाति के आयु बांधी, और दानादिक का कार्य किया होगा, क्योंकि इसमें दानादिक की भी प्रक्रिया आती है, भोगभूमि की आयु बांधना हो तो यदि वहां पर भोगभूमि की आयु बांधी है, तीन पल्ली की आयु होगी, तो यहां कितनी भी आयु शेष थी,
यहाँ पर कितनी भी आयु शेष थी उसको काउंटिंग में नहीं लिया, इधर से इस तरफ से, और वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, तिरंच बनेगा। तो यहाँ की मनुष्य की आयु को काउंट नहीं किया। वहाँ यद्यपि देव की आयु वहाँ शुरुआत थी तो बाद की आयु को पकड़ा था, बाद वाले को तो लिया था। समझने की कोशिश करना एक बार, फिर से एक बार बोलता हूँ, देववाले प्रकरण में देव होने के बाद कंटिन्यूटी में मनुष्य तरफ गए थे तो वहाँ वाले टाइम पीरियड को तो उसमें लिया गया, लेकिन यहाँ पर मनुष्य से तिरंच में जा रहा है तो यहाँ तो मनुष्य आयु थी, तो ए वाली जो ए अधिक वाली ये नहीं गिनी जाएगी। सीधा कहाँ गया, उत्तम भूमि का तिरंच बना, तो वहाँ की आयु कितनी, तीन पल, तो वो तीन पल ही रहेगा वहाँ, तो तीन पल उसकी तिरंच आयु की उत्कृष्ट सम्यक्त की चतुर्थ गुण स्थान की उतना उसका काल जानना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं अपन, चौथा नंबर पॉइंट है नरक गति की अपेक्षा से इसका काल कितना है, रुक जाओ भी तुम तो समझ लेना बाद में, है ना, दूसरे लोगों को दिक्कत हो जाएगी अभी। छह अंतर मुहूर्त कम 33 सागर, उसमें आपके गुणस्थान विवेचन में सब लिखा है, ये सब नहीं लिखे थे ज़्यादा इसलिए हमने बता दिए इतना डिटेल में, लेकिन उसका आप उसमें से पढ़ सकते हैं। कैसे, सातवीं नरक पृथ्वी में गया, कौन सी नरक पृथ्वी में, सातवीं नरक, वहाँ की उत्कृष्ट आयु कितनी, 33 सागर। वहाँ का नियम है कि सातवीं नरक पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि ही जाता है और वहाँ से मिथ्या दृष्टि ही बाहर आता है, ये नियम है। क्या नियम है, और मिथ्या दृष्टि ही आता है, बीच में भले ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके मजे करे चलेगा, लेकिन निकलेगा तो मिथ्यात्व अवस्था सहित ही निकलेगा। तो यहां से कोई जी वहां गया और तीन अंतर मुहूर्त शुरू के, तीन अंतर मुहूर्त शुरू के मिथ्या दृष्टि रहा, फिर सम्यक तो ग्रहण किया और बाद के तीन अंतर मुहूर्त में फिर मिथ्या दृष्टि हो गया और वहां से तीन अंतर मुहूर्त मिथ्या दृष्टि रहा और निकल के बाहर आ गया। तो शुरू के तीन मिथ्यात्व के अंतर मुहूर्त और बाद के तीन मिथ्यात्व के अंतर मुहूर्त, इस तरह से छह अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक वहां पर सातवीं नरक पृथ्वी में चतुर्थ गुण स्थान वाला रहा। इस तरह से नरक की अपेक्षा से छह अंतर मुहूर्त कम 33 सागर एक काल जानना चाहिए। चलो अपन अब आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सातवीं नरक का हिसाब एकदम अलग ही बनेगा। हाँ, हिंसक प्राणी बनेगा बराबर, इसलिए सम्यक तो भी छूट गया। अब अगला पॉइंट है अपना, भारी तो नहीं पड़ रहा, पड़ेगा तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो पढ़ना चाहिए ना। अब सोचो कि हर दिन बिल्कुल हलवा पूड़ी मिले मसाला, ऐसा कैसे हो सकता है, एक आध दिन तो थोड़ा गरिष्ठ होना चाहिए ना। चलो अगला बिंदु है अपना गमना गमन का, क्योंकि अपन ने पहले दिन ये प्लान किया था कि दो गुण स्थान लेंगे, होने को एक ही गुण स्थान भी चलता चला जाता तो नहीं हो पाता, लेकिन अपन चौथा और पांचवा दो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब चौथे गुण स्थान का अपन अब गमना गमन देखते हैं, एकदम सरल है क्योंकि ये वाला प्रकरण सरल ही होता है, गमना गमन वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है कि गमना गमन मतलब होता है गमन माने जाना, आगमन माने आना। तो चौथे गुण स्थान से कोई भी जीव यदि कहीं जाता है माने किसी अन्य गुण स्थान में जाता है तो उसको कहते हैं गमन, और किसी अन्य गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आता है उसको कहते हैं आगमन। तो चौथे से कहाँ कहाँ सीधा डायरेक्ट जा सकता है, तो ऊपर जाएगा तो पांचवा और सातवा, ऊपर जाएगा तो पांचवा और नीचे जाएगा तो तीसरा दूसरा पहला, सब में जाएगा। इस तरह से जाने के रास्ते हुए पांच, ऊपर दो नीचे तीन, कितने हो गए, पांच। फिर आगे आगमन आने के रास्ते हैं बहुत सारे, कितने, हाँ, ऊपर से आएगा तो छठवें गुण स्थान से, पांचवे से भी आएगा, छठवे से आया पांचवे से भी आया, दो हो गए ऊपर से,
और नीचे से यदि ऊपर, पहले से और तीसरे से, तो कितने हो गए? चार। आगमन के रास्ते सामान्य रूप से चार। कैसे रूप से? अच्छा, सामान्य रूप से कह दिया, इसका मतलब विशेष भी होगा फिर। हाँ, यदि विशेष रूप से देखना हो तो मरण की अपेक्षा ऊपर के जो गुणस्थान हैं, सातवा उपशम श्रेणी का, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, यदि वहां किसी जीव का मरण हो जाए तो डायरेक्ट चौथा, मान एक तरह से जंक्शन जैसा चौथा, कहीं पे भी मरण करें और डायरेक्ट चौथे में ही आना है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस तरह से आगमन के सामान्य रूप से तो चार ही गुणस्थान चौथे में आने के, और मरण की अपेक्षा से सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, पांच और लगा दो तो कितने हो गए? चार और पांच, नौ गुणस्थान। ठीक है, होने को मरण की अपेक्षा पांचवा छठवा भी होता है, पांचवा छठवा भी होता है, उसमें चार्ट में बनाया हुआ है, पांच से ग्यारह लिखा है मरण की अपेक्षा से, लेकिन पांचवे छठवे से तो आ ही रहे थे तो रिपीट क्यों करें? तो फिर वहां छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, मरण की अपेक्षा वहां से डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। ये हो गया गमनागमन। अब देखते हैं अपन विशेष अपेक्षा विचार। ये घड़ी आगे है ना, हाँ, पांच मिनट में अपन विशेष अपेक्षा और करते हैं, फिर दो दिन अपने पास बचे रहेंगे, तो दो दिन में अपन पंचम गुणस्थान की तैयारी करेंगे। ये नहीं होने देंगे लेकिन, चलो कोई बात नहीं। पहला तो ये समझें कि तीसरे गुणस्थान में आयु बंधती ही नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरे गुणस्थान में किसी का मरण भी नहीं होता, तो आपका कहना ये है कि वो मरण नहीं होता तो ऊपर जाके करेगा कि नीचे जाके करेगा, ऐसा कुछ ख्याल है ना आपको? तो इसमें ऐसा नियम है, एक तो तीसरे गुणस्थान में आयु बनती नहीं, एक पॉइंट। मान लो फिर मरण होना हो उसका तो कहाँ होगा? तो या तो चौथे में जाके होगा अथवा पहले में जाके होगा। लेकिन ऐसा नियम कैसे बने कि चौथे ही में या पहले में? लड़ाई हो जाएगी चौथे पहले में, हमारे में आओ हमारे में आओ, नहीं होगी। चौथा कहेगा हमारे में, पहला कहेगा हमारे में। उस लड़ाई को निपटाने के लिए एक उपाय दिया है। क्या उपाय दिया है? चौथे में यदि आयु बांध ली होगी पहले से, तो निष्पक्ष होके चौथे में ही जाके मरण करेगा, और पहले में यदि आयु बांध ली होगी तो पहले में ही आके मरण करेगा। ये नियम है, है? कहीं नहीं बांधी होगी तो तीसरे गुणस्थान में मरण ही नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं एकदम शॉर्ट में विशेष अपेक्षा विचार। ठीक है, कल से अपन को पांचवा गुणस्थान शुरू करना है। बहुत सरल है इसलिए आप लोग समझ सकते हैं, बुद्धिजीवी हैं सभी। ठीक है, और नहीं तो ये है सबके पास, कोटा वालों के पास, इसके पास कुछ भी नहीं है, चलो नहीं तो इसमें देख लेना, और गुणस्थान में तो शब्द यही है। पहला पॉइंट विशेष अपेक्षा विचार में, यह मोक्ष महल का प्रथम सोपान भूत गुणस्थान है। मोक्ष महल का प्रथम सोपान, सोपान माने सीढ़ी, प्रथम सोपान भूत गुणस्थान है ये चौथा गुणस्थान। सामान्य रूप से ही कथन समझना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस गुणस्थान के स्पर्श मात्र से अनंत संसार कटकर सीमित हो जाता है। ठीक है, इस गुणस्थान के स्पर्श मात्र से, माने जो जीव चतुर्थ गुणस्थान में जितने हो सकता है बहुत ही अल्प समय के लिए रहे, उतना जितना भी रहेगा उतने में उसका संसार सारा का सारा सिमट गया। जितना भी अनंत संसार था वो घटकर कितना आ गया, अपन यदि अपन अपनी घरेलू भाषा में बोलना हो तो चुल्लू भर हो गया। कितना हो गया? चुल्लू भर हो गया। अब कठिन कठिन बार बार बोलो सबको बुरा लगता है, तो थोड़ा सरल सा ही बोल दें, है ना?
और चुल्लू भर का खुलासा करना हो तो वो अपने पास करणान योग में है, नहीं वो तो बुंदेलखंडी में तनक सो है ना। लेकिन अभी करणान योग बताएगा तनक सो का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, इस गुणस्थान से वास्तविक अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत हो जाती है। माने अभी तक का जितना भी भोगों का पंचेंद्रियों का जो जन सुख है, सुख है अपन कह देते हैं बोलचाल की लोक व्यवहार की भाषा में, सुख है नहीं वो तो दुख ही है। वास्तविक सुख की शुरुआत, अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत इस चतुर्थ गुणस्थान से ही होती है। नंबर चार, इसी से अंतरात्मा संज्ञा प्रारंभ होती है। अंतरात्मा यदि कोई होता है तो चतुर्थ गुणस्थान से ही होता है, उसके पहले नहीं। नंबर पांच, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति इसी गुणस्थान से होती है। इसके पहले अपन कह नहीं सकते, यद्यपि अपेक्षा है, अपेक्षा को थोड़ा गौण करके, ठीक है, कर्ण लब्धि में भी हो जाता है भव्यत्वपना प्रकट हो जाता है, लेकिन अपन सामान्य रूप से चतुर्थ गुणस्थान से अपन लें कि भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति रिजल्ट मिलने पर ही होती है। चतुर्थ गुणस्थान मिला तभी ओरिजिनल, क्योंकि भव्यत्व मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता, तो चतुर्थ गुणस्थान में वो प्रकट हुई तो अपन कहेंगे भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति चौथे गुणस्थान से। नंबर छह, श्रद्धा के सम्यक होने से इसे दृष्टि मुक्त भी कहते हैं। ये तो सुना होगा पढ़ा होगा कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव दृष्टि मुक्त हैं, तो ये दृष्टि मुक्त हैं। श्रद्धान सम्यक हो गया, श्रद्धान दृष्टि एक ही बात है, तो इनको दृष्टि मुक्त है। एक अपेक्षा से, श्रद्धान की अपेक्षा से मुक्त ही हो गए। छठा पॉइंट, श्रद्धा के सम्यक होने से इसे दृष्टि मुक्त भी कहते हैं। नंबर सातवा, इस गुणस्थान से ही तीर्थंकर प्रकृति बांधने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। ये काम भी यहां से शुरू हो जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति भी बांधने की योग्यता चौथे गुणस्थान से हो जाती है। नंबर आठवा, यहीं से शायक सम्यक तो प्रकट करने की शक्ति प्रकट होती है। यद्यपि शायक सम्यक तो इसमें हो भी जाता है, लेकिन शक्ति भी, क्योंकि डायरेक्ट आते ही तो शायक सम्यक दृष्टि कोई होता नहीं चौथे में, पहले तो अपसम्यक होगा, फिर शायक सम्यक होगा, फिर शायक, तो चौथे में आया तो अपसम्यक वाला हुआ या शायक सम्यक वाला हुआ जो भी, तो उसके ऐसी शक्ति है कि शायक सम्यक तो प्रकट कर सकता है। नंबर नौ, बस दस ही हैं, ज़्यादा नहीं है, नौवा है, इसमें कर्मों की 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। बंध विच्छुत्ति शब्द कठिन लगता है, सीधा सरल भाषा में कहें, अपनी आध्यात्मिक भाषा में तो संवर हो जाता है, 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। अब वो कौन सी 41 गुणस्थान में दी हैं आप देख लें, पहले गुणस्थान में तो होती हैं 16 और दूसरे गुणस्थान में होती हैं 25, तीसरे में होती हैं 0, टोटल हो गई 41। नंबर दसवा और अंतिम पॉइंट, इसमें अविरत शब्द अंत दीपक है। अविरत सम्यक दृष्टि आया है जो गुणस्थान का नाम है, तो अविरत पना अंत दीपक है, माने अविरत पना इसके बाद खत्म हो चुका है। पहले दूसरे तीसरे चौथे वाले सारे अविरत थे, अब इसके बाद विरतपना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से अपन ने चतुर्थ गुणस्थान की चर्चा की, हम भी सभी चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त करें इसी भावना से यहीं विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।